हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल टोटल अकाउंटेंसी पर एक बार फिर स्वागत है। और इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले एग्जाम फॉर्म के बारे में। जी हाँ, आप लोगों के एग्जाम फॉर्म आ चुके हैं और आज हम लोग इस वीडियो के अंदर वही फॉर्म आप लोगों के आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आप लोग देख सकते हैं जो नोटिफिकेशन है आज ही जारी हुआ है और माँ शाकुंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर द्वारा ये नोटिस जारी किया गया है। नोटिस जारी करने की जो डेट है वो 2/12/2023 है। तो नोटिस में क्या है, सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है क्या कि विश्वविद्यालय के प्रथम सेमेस्टर के परीक्षा जो प्रथम सेमेस्टर की जो परीक्षा है वो दिसंबर 2023 जैसे संस्थागत स्नातक प्रस्नातक व्यावसायिक पाठ्यक्रम संस्थागत यानी कि जो रेगुलर एग्जाम है, ठीक है, चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल के हों या फिर वो पीजी लेवल के हों, ग्रेजुएशन बीए बीएससी और बीकॉम, और आपका जो पीजी है वो है आपका एमए एमएससी और एमकॉम, ठीक है। उसके साथ साथ जो व्यावसायिक प्रोफेशनल कोर्स हैं बीबीए बीसीए, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बीए बीएससी बीकॉम बीबीए बीसीए बीएससी एग्रीकल्चर बीएससी कंप्यूटर साइंस, ठीक है, बीएजीएमसी बीएससी होम साइंस बीएससी वर्क आईटी, ठीक है, योगिक साइंस एलआईबी और उसके बाद सॉरी बीएलबी और उसके बाद है बीपीएस की सत्र 2023-24 की परीक्षा कब होगी, माह दिसंबर में होने प्रस्तावित है। यानी कि अनुमान है कि दिसंबर में एग्जाम शुरू हो सकते हैं। उसके बाद देखिए क्या बताया गया है कि परीक्षा हेतु, अब ये परीक्षाएं होंगी तो इनके लिए एग्जाम फॉर्म भरा जाएगा। उस परीक्षा हेतु संचालित पाठ्यक्रम के प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाओं हेतु परीक्षा फॉर्म विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर भरे जा रहे हैं। आपके जो फॉर्म है वो उपलब्ध करा दिए गए हैं, अवेलेबल हैं। कौन सी साइट है, MSU University.ac.in पर आप लोग अपना फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म कैसे भरा जाएगा, ठीक है, वो सब जानकारी यहाँ पर दी गई है। एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है, सर्वप्रथम आप लोग इस वेबसाइट पर जाकर स्टूडेंट सेक्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद परीक्षा आवेदन फॉर्म भरने हेतु स्वयं के स्थायी मोबाइल नंबर ईमेल आईडी का प्रयोग करेंगे। एक मोबाइल नंबर पर और एक ईमेल आईडी पर सिर्फ एक ही फॉर्म भरा जा सकता है, ठीक है। अगर आप भाई बहन है तो अपना अलग अलग ईमेल आईडी और अलग अलग मोबाइल नंबर का यूज करेंगे। पॉइंट नंबर 3, समस्त संबंधित विद्यार्थियों को परीक्षा फॉर्म भरते समय अपना नवीनतम फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना अनिवार्य है। विद्यार्थी अपने परीक्षा फॉर्म पर अलग से फोटो ना चिपकाएं, अन्यथा की दृष्टि में क्या होगा, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका फॉर्म निरस्त हो सकता है। विद्यार्थी अपना परीक्षा फॉर्म ध्यान से भरें क्योंकि केवल एक ही बार भरा जाएगा परीक्षा फॉर्म। परीक्षा फॉर्म एवं परीक्षा शुल्क ऑनलाइन के माध्यम से ही भरा जाएगा। किसी भी स्थिति में ड्राफ्ट आदि स्वीकार नहीं होगा और ऑनलाइन शुल्क की प्रति परीक्षा फॉर्म के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। जैसे आप लोग एग्जाम फॉर्म भरेंगे, एग्जाम फॉर्म भी सबमिट करेंगे आप लोग कॉलेज में, और उसके साथ साथ एग्जाम फॉर्म की जो फीस स्लिप है, ठीक है, जो आपकी स्लिप फीस कटी होगी उसकी जो स्लिप है वो भी आप उसके साथ में सबमिट करेंगे। छात्र द्वारा फॉर्म के साथ लगाए जाने वाले जो भी डॉक्यूमेंट्स है उन पे लेफ्ट साइड में अपनी फॉर्म संख्या अंकित करेंगे। जो भी आपका एग्जाम फॉर्म नंबर होगा वो आप जैसे ये फॉर्म है तो उसके राइट साइड में वो फिल करेंगे। उसके बाद दिया हुआ है पॉइंट नंबर 6, पूर्ण रूप से भरे गए परीक्षा फॉर्म को परीक्षार्थी द्वारा स्वयं संबंधित महाविद्यालय संस्थान में जाकर जमा कराएंगे। महाविद्यालय संस्थान का दायित्व होगा प्रत्येक प्राप्त परीक्षा फॉर्म की जांच करें और सुनिश्चित करें कि फॉर्म बिल्कुल सही तरीके से भरा गया है कि नहीं भरा गया। महाविद्यालय संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय को प्राप्त किया कराए गए परीक्षा फार्मों में यदि कोई गलती होती है, कोई त्रुटि होती है तो विश्वविद्यालय स्तर पर पाई जाती है, तो इस कारण से किसी छात्र का परीक्षा फार्म
निरस्त होता है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? महाविद्यालय की, संस्थान के प्राचार्य की, प्राचार्य जो भी डायरेक्टर्स हैं, उसके बाद विश्वविद्यालय इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल अपना फॉर्म बिल्कुल सही से भरें, फार्म में किसी भी प्रकार की किसी भी तरह की कोई एरर ना हो, कोई त्रुटि ना हो, कोई गलती ना हो। उसके बाद देखते हैं और क्या पॉइंट है। ये जो पॉइंट है ये आप लोगों के लिए नहीं है, ये महाविद्यालय कॉलेजों के लिए है। अब हम लोग देखते हैं कि एग्जाम फॉर्म भरने की आखिरकार डेट कितनी है। तो आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर, ऑनलाइन फॉर्म भरने हेतु तिथिवार यहाँ पे कुछ डिटेल दी गई है। छात्रों के द्वारा वेबसाइट पर ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की, ये भरने की तिथि है 4/12/2023 से आपके एग्जाम फॉर्म ओपन हो जाएंगे। छात्रों द्वारा परीक्षा आवेदन पत्र शुल्क आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि, यहाँ पे सिर्फ आपको 5 दिन का समय मिलेगा। ठीक है, 5 दिन का टाइम है जिसमें आप लोग अपना एग्जाम फॉर्म भर देंगे। उसके बाद छात्रों द्वारा समस्त आवश्यक जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगा के आप लोग कॉलेज में, जो लास्ट डेट है जमा करने की वो 11/12/2023 है, यहां तक आप लोग अपना एग्जाम फॉर्म ऑनलाइन करा लेंगे। और इस डेट तक आप अपना एग्जाम फॉर्म और उसके साथ साथ सभी डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, ऑल डॉक्यूमेंट्स, वो आप लोग 11/12/2023 तक सबमिट कराएंगे। फिर कॉलेज वाले इन फॉर्म को यूनिवर्सिटी में जमा कराएंगे और कब तक कराने हैं? 13/12/2023 तक। ठीक है, इतनी जानकारी आप लोगों की समझ में आई। उसके बाद बात करते हैं विलंब शुल्क की। देखिए, अगर आपने 9 तारीख तक फॉर्म भर दिया तो ठीक है, अगर आप 9 तारीख के बाद फॉर्म भरेंगे तो आपको ₹300 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे विलंब शुल्क, लेट फीस के नाम पे। छात्रों के द्वारा वेबसाइट पर ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की जो तिथि है लेट फीस के साथ, वो 10/12/2023 है और अंतिम तिथि यानी कि 10, 11 और 12, 3 दिन है आपके पास। आपको तीन, अगर इन 3 दिनों में भरेंगे आप फॉर्म तो ₹300 आपके एक्स्ट्रा जाएंगे एग्जाम फॉर्म के। ठीक है, उसके बाद आप लोग कॉलेज में कब तक जमा कराएंगे? 14 तक। यूनिवर्सिटी में कब तक पहुंचेंगे? 16 तक। अगर इन 3 दिनों में भी आपका टाइम नहीं लगता, ठीक है, इन 3 दिन के अंदर आप लोग अपने एग्जाम फॉर्म सबमिट नहीं कराते हैं, ठीक है, ऑनलाइन नहीं कराते हैं, तो आपको और भी ज्यादा लेट फीस देनी पड़ सकती है। और कितनी हो सकती है लेट फीस? देखिए यहां पर आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर कि और ज्यादा लेट फीस हो सकती है ₹500 विलंब शुल्क, लेट फीस ₹500 लगेगी अगर आप अपना फॉर्म 13 तारीख में भरेंगे या 14 में, 15 में, 3 दिन, ठीक है, यहाँ पे आपको दिए गए हैं। अगर आपका 12 तक टाइम नहीं लगता और आप लोग 13, 14, 15 में फॉर्म भरेंगे तो आपको ₹500 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भरे जाने की जो तिथि है वो 13 है लेट फीस के साथ, और लेट फीस के साथ अंतिम तिथि 15/12 है। उसके बाद आप लोग कॉलेज में जमा करा देंगे 16 तक, और कॉलेज वाले यूनिवर्सिटी में पहुंचाएंगे फॉर्म 18 तक। ठीक है, तो ये आप लोगों को जानकारी बिल्कुल मिल गई होगी। यहाँ पे कुछ नोट है, यह भी सुनिश्चित कर ले कि अंतिम तिथि के पश्चात किसी भी परीक्षार्थी का कोई परीक्षा फॉर्म किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जाएगा। परीक्षार्थी के परीक्षा फॉर्म के साथ सभी डॉक्यूमेंट्स लगे होने चाहिए और सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। जो नए बच्चे हैं, टीसी, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है, मूल रूप में संलग्न करा कर जमा कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा की दशा में परीक्षार्थी की जो परीक्षा परिणाम है वो रोक दिया जाएगा। तो आप लोग अपने टीसी और अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट वो सभी अपने कॉलेजों में जमा करा दें। अब जो यूपी बोर्ड वाले बच्चे हैं उनके लिए माइग्रेशन अनिवार्य नहीं है, सीबीएसई वाले या अदर बोर्ड, यूपी बोर्ड को छोड़कर के जितने भी बोर्ड हैं उन सभी के लिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट कंपलसरी है। या फिर जो लोग पीजी कर रहे हैं और यूजी उन्होंने सीसीएस से या फिर अदर यूनिवर्सिटी से किया हुआ है, एमएसयू को छोड़कर के अगर किसी अदर यूनिवर्सिटी से उन्होंने यूजी किया हुआ है, ठीक है, बीए, बीकॉम, बीएससी किया हुआ है, लेकिन अभी एमए या एमकॉम, एमएससी कर रहे हैं कहाँ से, एमएसयू से, तो उनके लिए भी अनिवार्य है, वो भी अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगाएंगे अपनी पुरानी यूनिवर्सिटी का। ठीक है, तो ये थी अपडेट, आप लोगों ने देख ली और आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर इसके बाद आपको कोई डाउट है, ठीक, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, नई वीडियो में
नई जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।